बांस की खेती हमारे किसान भाई कैसे कर सकते हैं? एक एकड़ में अपने को खर्च कितना लगता है और एक एक पौधे का रेट कितना लगता है, खाद कौन कौन सा मेंटेनेंस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज हम इस वीडियो पर उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बांस की खेती के बारे में, यानी कि बैम्बू फार्मिंग। आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि अगर हम बांस की खेती अगर करते भी हैं ना, तो कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा, बांस का फसल अपना कब रेडी होता है, सारी जानकारी आज हमारे किसान भाइयों को मैं बताने वाला हूँ। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए किसान भाइयों, अभी बात करते हैं भारत में कितने प्रजाति की बांस पाई जाती है। आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, भारत में 136 प्रजाति की बांस पाई जाती है। और देखिए, अभी बात करते हैं एक पौधे का रेट अपने को कितना पड़ता है, कंपेयर करते जाएंगे हम। जैसे एक पौधे आपको भी बताऊंगा ना कि एक पौधे का रेट कितना लग रहा है, जैसे एक पौधे का मैंने आपको बताया रेट, तो उसको मैं बताऊंगा फिर आपको कैलकुलेट करके एक एकड़ में अपने को कितना लगने वाला है। बांस का एक पौधा अगर आप लेते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो कोई इशू नहीं रहता है, एक पौधे का रेट पड़ता है 20 रुपये। और एक एकड़ में अपने को कितना पौधे लग सकता है, ये आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। एक एकड़ में लगता है अपने को वो 200 से लेकर के 350 पौधे लगते हैं। खर्च की बात करें केवल केवल पौधे का अपना, तो 4,000 रुपये तक अपने को खर्च लगता है, 4,000 4,500 आसपास का अपने को खर्च लगता है। अभी अब खाद के बारे में बात करते हैं, एक मास में अपने को कितना खर्च गोबर लगता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। 7 साल में एक साल के बता रहा हूँ आपको, 10 kg गोबर लगता है, यानी वर्मी कंपोस्ट आप बोला जा सकता है उसको। और 200 मास पे कितना लगेगा अपने को, 2 टन। खर्च कितना लगेगा अपने को, 5,000 रुपये केवल केवल खाद का, है ना। एक बांस में अपने को उर्वरक की बात करें, उर्वरक तो डालना पड़ेगा तभी ना बांस अपना अच्छा ग्रो करेगा, तो उर्वरक की बात करें तो 7.2 kg लगता है। 200 बांस में लगेगा 1.4 kg। रेट की बात करें तो इसमें लगेगा अपने को 31,680 रुपये। अब देखिए, बांस की अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको इरिगेशन की परेशानी होगी, लेकिन अब मान लीजिए ड्रिप इरिगेशन आप लगवा रहे हैं, ठीक, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के साथ बांस की खेती करें, यानी कि बैम्बू फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर खर्च की बात करें, एक एकड़ के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के पूरे सिस्टम लगाने के बाद का खर्च मानते हैं 35,000 रुपये। अब एक साल की लागत की बात करें, अपना जैसे ट्रांसप्लांट की उस साल की बात करें, तो लगता है अपने को 75,680 रुपये। दूसरे साल की बात करें तो अपने को लगता है 36,600। और तीसरे और चौथे साल पे अपने को बस खाद और उर्वरक का अपने को लगेगा, ठीक, उसमें तो अपने को कुछ डालना नहीं पड़ेगा, केवल केवल खाद और उर्वरक का लगता है। अब बात करते हैं एक एकड़ में बांस की अगर हम खेती कर रहे हैं, यानी कि बेम्बू फार्मिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें खर्च कितना लगे, 1,85,720 रुपये लगता है। ये जो मैं आपको बताया, ये विदाउट सब्सिडी है, ये गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, जो कि नेशनल बेम्बू मिशन के तहत ये सब्सिडी आपको मिलती है। वो सब्सिडी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी बात करते हैं जो अपने से खुद से लगवाना चाहते हैं विदाउट सब्सिडी, गवर्नमेंट की तरफ से आप सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं, उसकी बात हम कर रहे थे। देखिए, बांस क्या है ना कि 4 सालों में उत्पादन देना चालू कर देता है। अपने को एक बांस से कितना मिलता है कलम, एक बांस से कितना कलम, 8 कलम आपको देखने मिलता है एक बांस से। 200 बांस से अपने को कितना मिल सकता है, 1400 से लेकर के 1500 अपने को मिला कितना, 1,40,000 रुपये। आपको क्या है ना कि हर साल देखे, ये तो मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, ये 3 से 4 सालों का बता रहा हूँ। फर्स्ट साल में कुछ 1 से 2 साल आपको कोई कमाई देखने को नहीं मिलेगी, बस आपका मेंटेनेंस जो आ रहा है वो आता है, रिटर्न होता है। बट एक ऐसा है कि 3-4 साल हो जाए ना, 4 साल से स्टार्टिंग हो जाए, तो आपको आमदनी देखने को ज़्यादा मिलती है। अभी बात करते हैं बांस की पौधे की आयु, बांस की पौधे की आयु कितनी रहती है, 40 से लेकर के 50 साल रहती है। और देखिए, अब तो मैंने आपको जानकारी बता दी, तो अभी बात करते हैं, देखिए आप बिजनेस आइडिया कैसे, उसमें देखिए आप डुअल क्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बीच में तो एरिया खाली रहता है। और आप इससे क्या है ना कि बांस की नर्सरी तैयार करके बेच भी सकते हैं, उससे भी आपका साइड इनकम जनरेट होते रहता है। आज मैंने आपको इस वीडियो पर सारी जानकारी बताई है कि एक एकड़ में अपने को कॉस्ट कितना लगता है, क्या क्या जरूरी रहती है, कितना खर्च लगता है, तो हमारे किसान भाइयों को पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल से जानकारी चाहिए ना, अभी तो मैंने आपको कुछ कुछ जानकारी बताई, अगर आपको इसके बारे में हम अगर और डिटेल से जानना चाहेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हमारे किसान भाइयों को नीड है, ज़रूरत है कि बांस की खेती के बारे में आपको और डिटेल से जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट करिएगा, बिल्कुल मैं आपके लिए मैं जानकारी अच्छे से डिस्कशन करूंगा, भले 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट के वीडियो बने। तो चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे किसान भाई को वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। अगर आपको कोई भी कमेंट या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा, ताकि आपको ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही।